और तो दोस्तों क्या हाल चाल है, एक और नई गेम प्ले वीडियो में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ पीएस गेम्सटर की न्यू वीडियो में। सो गाइस यार, क्यारा और मैं आ रखे थे यार, जो क्या बोलते हैं क्यारा के जो मम्मी पापा का जो घर है उस पे आ रखे थे, है ना। देख रहे हो गाइस यार, घर यार ये जो मतलब जो नया हमने घर खरीदा है क्यारा के मम्मी पापा के, तो वो घर पे मैं हम आ रखे थे, थोड़ा बहुत काम करवाना था। क्योंकि गाइस आज तो आपको पता ही है क्यारा के मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तो भाई आज तो उन्हें सरप्राइज मिलने ही वाला है, तो इसलिए मैंने बोला था क्यारा चलते हैं, थोड़ा यार सिक्योरिटी को हम जगह दिखा दे, सिक्योरिटी इधर लगे रहे ना। हाँ जी सर जी। और गाइस जो यार यहाँ पे वो येल्लो कलर का जो गेट था जो गाड़ी से टूट जा रहा था, उस गेट को हटवा करके हमने ये पक्का लोहे का लगवा दिया है। सर जी एक तो गेट बंद हो जाएगा ना, तो किसी की दम नहीं है, किसी के बाप में दम नहीं है गेट तोड़ दे, या तो वो दीवार तोड़ेगा तभी। हाँ भाई हाँ। और ये खड़ी हुई, ओए यार ये क्यों जाती क्यों नहीं है यहाँ से ऐसे, क्या ऐसी की तस्वीर, ओए ये क्या हुआ। अच्छा हाँ, मेरे पे मैग्नेट गन है गाइस, गलती से मैंने मैग्नेट गन है ना। हट जा चुपचाप से, हट रहे सर जी हट रहे, हट जा मैं मार दूंगा तुम्हारी, ऐसी तैसी कर दूंगा। भाई मेरी गाड़ी खिसक गई। फ्रेंकली सर अभी गाड़ी और हमारा काम हो जाता। अरे गलती हो गई यार, अब ये ब्रूनो जैसा है पूरा एक नंबर का, है ना। चलो भाई ठीक है, ये आए अभी शिनचैन हिमावरी पिनचैन ब्रूनो चॉप ये लोग आएंगे, है ना, इनको ये गाड़ी हैंड ओवर कर देना। सर क्या करना है, हैंड ओवर कर देना ये वाली गाड़ी। क्यों सर? अरे ये वाली हैंड ओवर कर देना, वो लोग इसको डेकोरेट करने के लिए ले जाएंगे। भाई क्या रखे, मेरे पापा की एनिवर्सरी है और हम क्या घर को गाड़ी को डेकोरेट भी ना करें, है ना, तो इसलिए ठीक है सर जैसा आप कहो। तो चलो मैं अभी घर चलता हूँ, शिनचैन को भेजता हूँ काम के लिए। और माइकल भाई यार, माइकल भाई का भी एक काम है, माइकल भाई केटरर्स का काम संभालेंगे, खाने पीने का सारा काम माइकल भाई को संभालना है, ठीक है। और मुझे इस मेंशन को सजवाने का और काम संभालना है। पहले अभी मैं फिलहाल ना क्यारा को लेकर चलता हूँ। क्यारा जल्दी आओ। अरे हाँ फ्रेंकली मैं आती हूँ। क्यारा जल्दी आओ, क्यारा को गाइस मेरे को ना उधर भी छोड़ना है क्यारा के मम्मी पापा के पास, क्योंकि क्यारा के मम्मी पापा को क्यारा ही लेकर के आएगी। नहीं है, जब बेटी साथ हुआ करती थी तो हर वक्त छोटी सी बेटी हमारी जो अब क्यारा की है। मम्मी फ्रेंकलिन मेरे मम्मी पापा को ऐसा गिफ्ट देने के लिए। अरे क्यारा अब आके बैठ भी जाओ यार, कितना थैंक यू बोलोगे, वैसे तुम ऑलरेडी काफ़ी थैंक यू बोल चुके हो। रेगुलर सर हमारा और भी कोई काम हो तो बता देना। नहीं भाई तुम इधर ही ड्यूटी करो भाई, और क्या तुम्हारा काम है भाई, और काम के लिए और पुलिस ऑफिसर नहीं है क्या तुम लोगों का, भाई हद होती है। ओके सो गाइस आप लोग बस जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। क्यारा की मम्मी पापा की एनिवर्सरी की यार शुरुआत हो चुकी है, मतलब यार वो क्या बोलते हैं क्रियाक्रम की शुरुआत हो चुकी है। अरे ये कौन बोला? दर्श जी मैं बोला। चल बे तेरी ऐसी जैसी सड़क पे चलते लोग कुछ भी बोलते हैं। फ्रेंकली गाड़ी में नहीं है ना, बाइक में सब लोग सुन लेते हैं। हाँ बात तो सही है। ओके तो गाइस क्यारा और मैं घर की तरफ निकलते हैं और शिनचैन को लगाते हैं काम पे। और माइकल भाई ट्रैवल भाई ये लोग सो क्यों रहे हैं भाई, जल्दी जाकर के काम करें। और भाई साहब होली भी आने वाली है, होली खेले रघुवीरा बुद्ध में होली खेले। कॉपीराइट लग जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है फ्रेंकली चलते, वो क्यारा चलते आ जाओ। गाइस अपने घर पहुंचने वाले हैं। फ्रेंकली मैं सोच रही हूँ मैं मम्मी पापा के पास खुद ही चल जाऊंगी। क्यों क्यारा? अरे नहीं मम्मी पापा के लिए गाड़ी लेकर के चल जाऊंगी ना। तुम ड्राइव कर लोगी? हाँ कर लूंगी। अच्छा शिनचैन या इनमें से किसी को ले जाना? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ आज। अरे हाँ तुम तो यार मम्मी पापा के साथ एनिवर्सरी पे रहा करती थी, और आपके पास पहली एनिवर्सरी ऐसी है जिसमें तुम उनके साथ नहीं हो, तो कोई बात नहीं तुम चले जाना भाई, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और जब मैं बोलूँ ना तो तुम अपने मम्मी पापा को लेकर के आ जाना, या तो मैं ही आ जाऊँगा। फ्रेंकलिन ये बात अच्छी हो जाएगी। हाँ भाई हाँ। तो गाइस देख सकते हो सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी तो मैंने उधर भेज दी, क्योंकि भाई अभी उधर गाड़ी रखी हुई है तो वहाँ पे जरूरत है। ठीक है फ्रेंकलिन मैं जाऊँ क्या? नहीं नहीं क्यारा अभी रुक जाओ, फिर मैं भी इनसे पहले बात कर लेता हूँ, फिर तुम निकलो। ऐसा करो, या तो ऐसा करो रुको मैं गाड़ी निकालता हूँ कोई, फिर तुम उसमें बैठ करके निकल जाना। हाँ फ्रेंकलिन ये बात है। कौन सी निकालूँ क्यारा? बढ़िया से निकाल दो कोई गाड़ी। ठीक है मैं निकालता हूँ कोई गाड़ी। क्यारा ये AMG वाली ठीक है? हाँ फ्रेंकलिन ये क्यूट सी कार है। गाइस आप सोच रहे हो हुरकन क्यों नहीं दी, हुरकन इसलिए नहीं दी है क्योंकि गाइस हुरकन तो अभी बहनी के पास ही है, आपको पता ही है ना। चलो गाइस शिनचैन हिमावरी पिंचन क्यारा तुम जाओ। ठीक है फ्रेंकली मैं जाती हूँ। हाँ भाई हाँ। और शिनचैन हिमावरी पिंचन उठ गए क्या तुम? माइकल भाई ट्रेवर भाई अरे यार घर में ऐसा फंक्शन का माहौल है और ये लोग अभी तक उठे ही नहीं है, घर क्या कुंभकर्ण की तरह सोते रहते हैं। यार उठाते हैं भाई जल्दी से इन लोगों को। ट्रेवर भाई अरे ट्रेवर भाई, ट्रेवर भाई यार ये सोने का टाइम है क्या? मैंने बोला था ना फंक्शन है भाई, आपको संभालना है। फ्रेंकलिन हाँ मुझे पता है, मेरे को बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। पुष्पा रहा झुकेगा नहीं साला, पुष्पा तो दिल तोड़ गई फ्रेंकलिन मेरा। अरे यार ट्रेवर भाई ये कौन सी बात है यार, आप तो यार उठो यार जल्दी से यार, एनिवर्सरी के लिए क्या संभालना है मेरे को। अरे घर के डेकोरेशन का काम हम पे ही तो है माइकल भाई ट्रेवर भाई, और हम लोगों पे नहीं 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 एक सेकेंड,
पिंचन हिमावरी पिंचन ये लोग गाड़ी डेकोरेट करने के लिए जाएंगे और हम पे है घर सजाने का काम और फिर केटरर्स का काम किसका? अबे केटरिंग का भी काम हम पे ही है। फ्रैंकलिन तो फिर जल्दी करते हैं ना यार। अरे माइकल भाई तो उठोगे तब तो करोगे। अरे यार मैं तेरी वजह से ही था यार, कोट पैंट के ही सो गया था मैं, तू आया नहीं इसलिए। चलो चलो अब उठो यार, जल्दी नीचे पहुंचते हैं। हिमावरी पिंचन शिंचन। अरे तू बड़ा नवाब बन के सो रहा है। फ्रैंकलिन भैया बताओ क्या हुआ, तेरे को गाड़ी रिपेयर करवानी नहीं जानी थी? अरे हाँ भूल गया गाड़ी रिपेयर करवानी थी। अरे हाँ मम्मी पापा के पास निकलती हूँ है ना, जल्दी से निकलती हूँ। ओहो फ्रैंकलिन गाड़ी तो बहुत ज्यादा अच्छी थी, वो भी AMG, इसका साउंड कितना कैडा होगा सुनती हूँ मैं। अरे इसका तो बहुत अच्छा साउंड हो, क्या इंटीरियर है गाइस। चलो यार एक बच्चे एक व्यक्ति के लिए तो छोटी सी गाड़ी अच्छी है, काफी ज्यादा अच्छी है, AMG की कार है। ओहो ठुके ना बस आराम आराम से लेकर के चलती हूँ उस गाड़ी को मम्मी पापा के पास, मेरा वेट करने होंगे। पहली बार है, नहीं तो मैं सुबह उठते के साथ ही मम्मी के लिए ना बहुत अच्छा केक बना के तैयार करती थी। यार मैं जल्दी से ना यहाँ पे कोई मार्केट में केक ले लेती हूँ फिर चलते हैं जल्दी से है ना यार, क्योंकि मम्मी पापा मेरे बहुत ज़्यादा उदास भी हो रहे होंगे इसी चक्कर में। चलो मैं पहले कोई मार्केट में चलती हूँ, वहाँ पे से ना केक ले लेती हूँ। ऑडियंस आप लोग बस जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और देखो फ्रैंकलिन कितने अच्छे हैं भाई, इतनी सब कुछ चीज़ें दे रहे हैं और इतना सारा गिफ्ट देने के बाद भी भाई बहुत अच्छी बात है यार, फ्रैंकलिन को तो हैट्स ऑफ है। हाँ मतलब सारी रिपेयर नहीं मतलब सजवानी थी। हाँ तो भाई तुम्हें जाना नहीं है क्या? जाना है फ्रैंकलिन भैया, जल्दी देखो क्या राह निकल गई है, तुम जाते क्यों नहीं हो? फ्रैंकलिन भैया जल्दी जाते हैं। और भाई मेरे रूम में कौन है? हिमावरी उठती क्यों नहीं है, तुम्हें जाना नहीं है क्या? फ्रैंकलिन भैया सोने दो ना। अबे चल बच्ची बन के बैठी हुई है। अच्छा सॉरी फ्रैंकलिन भैया आ रही हूँ। हाँ तुमने एनिवर्सरी का प्रोग्राम है और ये लोग गाइस यार ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं भाई, कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट फूंक दिया भाई। ये वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है क्योंकि ये लोग ना बहुत ज़्यादा ही टाइम फूंक रहे हैं है ना। अब देखता हूँ मैं यहाँ पर ये होंगे ये लोग। अब आया था यार यहाँ पे तो यार अब आया था फ्रैंकलिन आ गया तू? अरे हाँ भाई आया था, मैं तुम्हारे वेट कर रहा था भाई, हम लोग फ्रेश होके तैयार हो गए, तुम लोग स्मार्ट ब्रेकफास्ट करने सबसे पहले आ गए। तो क्या क्योंकि ब्रेकफास्ट करते हमें काम के लिए निकलना है भाई, सिंचन हिमावरी तो उठ के नहीं दे रहे। कोई नहीं भाई उठेंगे। फ्रैंकलिन भाई मेरे जैसा कुत्ता मिला गया उधर? हाँ भाई हाँ मैंने कैमरे में देख लिया था। अच्छा चलो भाई तुम लोग जल्दी आओ यार, तुम निकल जाना यार ठीक है। माइकल भाई ट्रेवर भाई आप तो आ जाओ। हाँ फ्रैंकलिन मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ। पिछले 20-21 सालों में क्यारा हमारे लिए ऐसे ही सुबह सुबह केक बना के लाया करती थी। बहुत उदास फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा उदास फील हो रहा है क्योंकि मेरी और मेरी मोहतरमा की एनिवर्सरी है और इतना सूखा लग रहा है, घर में सूना लग रहा है। हमारी इकलौती संतान थी वो भी चली गई, मतलब चली कहाँ गई, शादी हो गई, अब कोई भी नहीं है हम पे फ़ोन करने वाला। मुझे तो लग रहा है क्यारा को अब हमारी एनिवर्सरी याद भी नहीं है। ये लग रहा है मेरी वाइफ को उदास ज़्यादा ही हो रखी है, मेरी वाइफ भी। क्या कर रहे हो, मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है। अरे मोहतरमा हैप्पी एनिवर्सरी। काहे की हैप्पी एनिवर्सरी, इतनी में तो सुबह सुबह क्यारा उठ करके हमें सेलिब्रेट करने के लिए बुला लिया करती थी। मोहतरमा तो ऐसा करते हैं क्यारा पे कॉल करते हैं। नहीं सामने से कॉल नहीं करते, अब उसकी शादी हो रखी है, अब वो ऐसा चीज़ नहीं रही। अरे पहली जैसी सारी चीज़ें नहीं रही, मुझे लग रहा है अब तुम पे अगर हमारा कोई दूसरा भी या कोई दूसरा भी कोई बच्चा होता तो कम से कम हम लोगों का सेलिब्रेशन तो चलता, लेकिन नहीं अब घर पूरा सूना हो गया है। अरे हाँ ये बात तो सच है, क्योंकि अब हमारा ना कोई बेटी है ना ही कोई बेटा है, अब हमारी बेटी की भी मतलब शादी हो गई और बेटी तो भूल भी गई है शायद से, नहीं तो इतने में वो फ़ोन करके बोल दिया करती थी। और क्या, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा, अब क्या ही बोल सकते हैं, हमें नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। मैंने मम्मी पापा के लिए केक ले लिया, गाड़ी में यहाँ से रखवा लिया। ओहो छमिया किधर जा रही हो, छमिया इधर भी आ जाओ छमिया। ओहो अमीर छमिया, ये तो क्या बोला तूने? ओहो छमिया कैसी हो? अरे बताऊं तुझे अभी। अरे भागो, ये तो लेडी गागा निकली, अरे ये तो ऐसी तैसी मार देगी। हाँ अरे फ्रैंकलिन की वाइफ हूँ, मेरे से पंगा मत लेना, बता दूंगी मैं अच्छी तरीके से, मैं पता भी मैं किसकी वाइफ हूँ। अरे फ्रैंकलिन सर की, अरे यार जैसा फ्रैंकलिन वैसी उसकी वाइफ, अरे भाई खतरनाक है भाई। पंगा ले रहे हैं मेरे से, पता ही नहीं है, जाने ना है मुझे, पता नहीं। चलो भाई जल्दी से चलते हैं है ना, अभी फिलहाल मैं पहुँचती हूँ, केक तो ले लिया यार, मेरे को कोई छेड़ भी नहीं सकता अब तो, पता पहले मेरे को पैसे बदतमीजी कर दिया करते थे लड़के, लेकिन जब से मैं फ्रैंकलिन के घर पे आई हूँ मेरे अंदर एक पावर सी आ गई, क्योंकि ये लोग इतने बिल्कुल भी डरते नहीं किसी भी व्यक्ति से, इसलिए ना मेरे को भी किसी से डर नहीं लगता, मैं तो अपना खुल के चलती हूँ। चलो मैं मम्मी पापा को, मैंने कॉल भी नहीं करी, मम्मी पापा बहुत ज़्यादा उदास हो रहे होंगे इस चक्कर में, चलो मैं मम्मी पापा को जाकर सरप्राइज़ कर देती हूँ। और भाई माइकल भाई लेट मत करो, फ्रैंकलिन आ गए, चिंता मत कर। तो
ओके 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 जल्दी बैठो जल्दी बैठो जल्दी बैठो, निकलते गाइस पिंकली जल्दी। पिंकली भैया हम निकल जाएंगे। शिनचैन अगर तू नहीं निकला ना शिनचैन बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। शिनचैन हम लोगों की सारी प्लानिंग खराब हो जाएगी। अब आते भैया चिंता मत कर फ्रैंकलिन, हम लोग ऐसे ही निकलेंगे, जल्दी निकलते हैं भाई। हाँ भाई तुम भी निकलो जल्दी से, और भाई करो जल्दी से गाड़ी को उठाना और सजवा के लेकर के आना, बढ़िया से सजवाएंगे। अरे जल्दबाजी के चक्कर में अब मैं ठुक। हाँ भाई हाँ भाई मैं अपनी मम्मी पापा के पास पहुंच गई, मम्मी पापा को पता भी नहीं है। अरे 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 ये गाड़ी की आवाज़ किसकी आ रही है? अरे अरे ये गाड़ी की आवाज़ तो ऐसा लग रहा है हमारे घर में ही कोई घुसे चले आ रहा है। अरे अभी देखता हूँ मैं। पापा पापा, अरे अरे ये तो क्यारा की आवाज़ है। पापा हैप्पी एनिवर्सरी, पापा मम्मी हैप्पी एनिवर्सरी आप लोगों को। अरे क्यारा बेटी तुम आ गई। हाँ पापा हैप्पी एनिवर्सरी आप सबको। हाँ मम्मी हैप्पी एनिवर्सरी। अरे बेटी अगर तुम नहीं आते तो बहुत अजीब लग रहा था। अरे अरे मम्मी पापा ऐसे कैसे हो सकता है आपकी एनिवर्सरी मैं ना हूँ। वो चलो थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हो गई, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ों में ये थोड़ी ना कि हम बंदा चेंज हो जाए। अब मैं तो आई हूँ ना अभी। अरे अरे क्यारा तुम ही तो हो हमारी अपनी। नहीं नहीं पापा आपको गलत फहमी है, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ आपकी अपनी, अब आपके मेरा मेरा घर परिवार भी है, मेरे हस्बैंड भी है। अरे अरे बेटा वो बात तो मुझे पता है, लेकिन लेकिन मेरे को ये लेकिन तुम ही तो अपनी हो ना। नहीं नहीं पापा आज आपको फील होगा कि कैसी फैमिली होती है। मतलब? अरे अरे वो तो आपको पता ही चल जाएगा। ऐसा क्या बोल रही हो क्यारा? अरे अरे मेरे मम्मी पापा बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि फ्रैंकलिन इनको कितना सरप्राइज करने वाले हैं। मेरी मम्मी पापा सोच रहे हैं कि उनकी फैमिली छोटी हो गई है। नहीं उनकी फैमिली छोटी नहीं बल्कि और बड़ी हो गई है। अब उन्हें पता चलेगा कि उनको कैसा सरप्राइज मिलने वाला है। फ्रैंकलिन तो बिल्कुल ऑसम है। ऑडियंस आप फ्रैंकलिन के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे अरे बेटी। पापा मम्मी मैं आपके लिए केक लेकर के आई हूँ। अच्छा अच्छा बेटा। और आपके लिए ना एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। कौन सा सरप्राइज? अरे वो तो आपको पता चल जाएगा थोड़ा सा। चलो चुपचाप से अब बात हो गया तुम लोगों का। अरे अरे हाँ भागे भागे भागे, बहुत देर हो गई इन लोगों की। भाई एक पिज्जा खा लेता हूँ। ओ सिंचन भाई तुम पिज्जा खा रहे हो ना, तू आजा चुपचाप से नीचे, अब हम लोग भी पहुंच गए तेरी डांट खा करके। ठीक है आ रहा हूँ। अरे सिंचन भैया जल्दी आओ यार, हम पे टाइम नहीं है। हाँ यार हम पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, हमें उस गाड़ी को डेकोरेट करवाना है यार, जल्दी से पहुंचता हूँ जल्दी से। बाबा आसा यार जल्दी से कोई गाड़ी निकाल। तुम लोग गाड़ी भी नहीं निकाल सकते, नौ सीखी हो आज तो। बाबा सब ऑफिसर ही नहीं है, कौन सी गाड़ी ले कौन सी गाड़ी। बाबा साहब कोई फास्ट एंड फ्यूरियस कार ले ले। यू मीन जेस्को? बाबा साहब संभाल सकता तो ले ले। रुको यार सोचता हूँ कौन सी लूँ कौन सी लूँ। हमारी गाड़ी ठुक गई। तो गाइस काफी देर से आप लोग कह रहे थे ना भाई क्रेटा किधर है, क्रेटा किधर है। भाई क्रेटा थोड़ी बेच दूंगा मैं, ये गाड़ी को थोड़ी बेचने लायक थोड़ी ना है। माइकल भाई बेचने लायक है। अरे वो बकवास हम कर। अरे यार मैडम मतलब कि माइकल भाई बेच सकते हैं। अच्छा ये बता केटरर्स का किधर मिलेगा? अरे आओ ना यार एक जगह में ना एक शेफ के पास चलते हैं भाई, वो शेफ ना बहुत बढ़िया खाना बनाता है, तो वो केटरिंग सर्विस अगर कर देता है ना। और तेरी की पागल था कि ये सामने वाला फ्रैंकलिन, मैं तो कह रहा हूँ BMW X7 लेकर के आता, इन लोगों को फिर बताते साले। और क्या आज हमारी गाड़ी घूम गई। लेकिन सर जी मैं उस दिन वाला ही हूँ जब आपने BMW X7 से मुझे उड़ाया था। बेटे तुम लोगों को छोड़ूंगा तो नहीं, लेकिन कोई बात नहीं अभी खैर छोड़ो, अभी फिलहाल तो अब चलते जल्दी से उस केटरर्स वालों के पास। अरे फ्रैंकलिन क्यारा किधर गई है? क्यारा अपने मम्मी पापा के पास गई है ना, क्योंकि फिर उसके मम्मी पापा को अकेला लगेगा, क्यारा को भी तो अकेला फील हो रहा था ना, क्योंकि वो हमेशा साथ रहती थी मम्मी पापा के साथ। और फ्रैंकलिन ये भी बात है, सनरूफ खोल दी क्या? खुल गई यार, टूट गया कांच ऊपर का। चल 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 चलते हैं। ओके सो गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से। तो यार फाइनली जेस्को ही डिसाइड कर ली, जेस्को डिसाइड कर ली ना, अब चला लियो भाई आराम से। अरे तुम चप्पू चिंता मत करो, शिनचैन भैया जल्दी लेके चलो। क्यारा भाभी तो चली गई होंगी अपने मम्मी पापा के पास। ओके सो गाइस यार जेस्को आप काफी देर बाद देख रही होगी ना, इट्स लुक टू ऑसम मैन। चबा बात सब आराम से भाई, शिनचैन देख अगर तूने ठोक दिया ना भाई गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन यार चप्पू हमें जल्दी पहुंचना भी तो ना। आप बात सब लेकिन तू शिनचैन आराम से ब्रो, शिनचैन आराम से ब्रो, मेरे को लग रहा है कि अगर तू आज ने मेरे को मार दिया तो भाई। अरे अरे शिनचैन भाई चलाओ, मानते हैं लेकिन आराम से। अरे हमारी जेस्को को कुछ नहीं होगा और हमें भी कुछ नहीं होगा। बाबा सब वो तो चल ठीक है, लेकिन यार तू आराम से चला यार, किसी और को भी लगती है तो भाई दुखता है यार। ठीक है यार। ओके सो गाइस जल्दी से चलते हैं अभी नए वाले घर में, जिसमें यार मर्सिडीज एस क्लास रखी हुई है, और मर्सिडीज एस क्लास को लेकर के हम जल्दी से चलते हैं। बाबा सब बैनिया के इधर, बैनिया के ऊपर चलते हैं जल्दी, मतलब बैनी भैया के पास चलते हैं और गाड़ी वहाँ पे ठीक करवाते हैं, जल्दी चलते हैं। अब बाहर सब ये गाड़ी जगह खड़ी करने की जगह तो है, अरे फ्रैंकलिन भैया ने सिक्योरिटी पहुँचा दिया ना, तो ये गाड़ी सेफ रहेगी यार, जल्दी से पहुँचते हैं। पहुँच गए क्या? माइकल भाई लास्ट टाइम ना शिनचैन ने केटरर्स का ऑर्डर किया था, तो शिनचैन ने मुझे यही लोकेशन बताई है, और मैंने बोला था कि शिनचैन तू ये केटरिंग का सामान संभाल ले, लेकिन यार उसने संभाल ही नहीं होगी और क्या। लेकिन कोई बात नहीं, उसने मेरे को लोकेशन भेज दी थी। हटो 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 हटो, अरे फ्रैंकलिन सर आए, हटो। अरे गुड मॉर्निंग फ्रैंकलिन सर। अरे 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 यार सब लोग यार, यहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती, उतरते हैं हम इस जगह पे है ना। माइकल भाई आ जाओ यार। अरे फ्रैंकलिन तो पूरा बढ़िया रेस्टोरेंट है। अरे फ्रैंकलिन सर कैसे हो आप? हाँ मैं बहुत बढ़िया हूँ, सुनो मेरी बात सुनो। हाँ फ्रैंकलिन सर।
तुम लोग आज अपनी दुकान बंद कर दो। सर पे सर हमारे रोजी रोटी पे लात बंद मारी है। अरे माँ लात नहीं मार रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सारी केटर सर्विस जो बर्गर पिज्ज़ा नान तंदूरी नान पनीर शाही पनीर जो भी तुम बनाते हो ना, वो आज तुम्हें हमारे घर पे बनानी है, क्योंकि हमारे घर में है बहुत बढ़िया प्रोग्राम, मेरी वाइफ के मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। अरे सर आपने इतना बड़ा ऑर्डर दिया, माइकल भाई इसे एडवांस भी दे दो। हाँ फ्रैंकलिन अभी देते हैं। अरे अरे सर जी हमें भी कुछ ऑर्डर दे दो। अरे तो तुम लोग भी आ जाना, तुम लोग अलग हो क्या? हाँ सर भाई भाई हैं लेकिन वो थोड़े से दूसरे भाई हैं। अच्छा यार कोई बात नहीं, तुम सब लोग आना और ठीक है अच्छे से केटरिंग सर्विस कर दोगे ना? सर आप ना हमें याद करोगे पूरे लॉस सेंटोस में, आप बोलते रहोगे कि फ्रैंकलिन ये मेरे जैसा हमारे जैसा आपको कोई मिलेगा भी नहीं। यार हमने इसको ऑर्डर, इसको भी बुला लेते हैं भाई। अरे फ्रैंकलिन सर क्या हो गया? अरे सर इसको मत बुलाइए ये तो बेवड़ा है। यार तो ठीक है मैं तुम्हें भी ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा। अरे भाई यहाँ पे कोई है क्या, यहाँ पे कोई है क्या? अरे सर जी मैं हूँ यहाँ का ओनर, आप बोलिए मुझसे क्या चाहिए आपको डोनर। अरे भाई मुझे तो केटरिंग सर्विस चाहिए क्योंकि बाद मेरे वाइफ के मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। सर हो जाएगा आपका काम। सर हमारे यहाँ की स्पेशल डिशेज पटेटो पटेटो प्याज़ा कॉफ़ी सब कुछ आ जाएगी। ठीक है भाई ठीक है, अच्छे से तुम खाने पीने का सामान यार मैं तुम लोगों को संभाल के दे रहा हूँ। अरे सर पेमेंट की बात कर लो, पैसे की दिक्कत नहीं है भाई, तुम पैसा जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन अगर खाना पसंद नहीं हुआ तो सर हम एक भी पैसा नहीं लेंगे। हाँ ये डील पक्की है, तो चलो भाई चलते हैं जल्दी से। फ्रैंकलिन तेरे को डेकोरेशन के लिए भी चलना था? हाँ यार डेकोरेशन के लिए मुझे एक बंदे से व्यक्ति से बात करनी थी, वो डेकोरेट करेगा भाई पूरे घर को। आप ये मत सोचना कि आपकी फैमिली छोटी हो गई है। बेटा कैसे छोटी तो हो गई है, अब हम दो लोग रहते हैं। नहीं आपकी फैमिली बड़ी हो गई है। अरे कैसे? अरे उस दिन शिंचन ही वाली पिंचन आए थे ना, किस तरीके से वो लोगों ने यहाँ पे खेला था। अरे बेटा लेकिन तुम हर रोज थोड़ी आ सकते हो, हमारा घर कितना दूर पड़ता है तुम्हारे घर से। अरे फ्रैंकलिन ने उस चीज का भी समाधान निकाल दिया। क्या मतलब है? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अरे इनके लिए तो सरप्राइज है। अरे नहीं दूर है तो क्या हुआ, अब देखना अब मिला करेंगे सब। अरे अरे बेटा ऐसे कैसे मिल पाते हैं तुम इतने दूर हो, पहले उस दिन जो शिंचन हिमावरी पिंचन सब आए थे तो कितना मस्ती करी थी, चौप ब्रूनो सब आए थे तो कितनी मस्ती हुई थी, लेकिन अब हम इतने दूर रहने के चक्कर में तुम लोगों का भी आना नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे सब बंद हो जाएगा। नहीं पापा ऐसी वाली बात नहीं है, चलो आ जाओ चलते हैं कहीं। अरे किधर चलना है? अरे अरे गाड़ी देखो फ्रैंकलिन ने मुझे ये गाड़ी दी है चलाने को। अरे वाह फ्रैंकलिन तो बहुत ज्यादा बेस्ट है भाई, फ्रैंकलिन जैसा तो जमाई किसी को मिल ही नहीं सकता। हाँ जी पापा ये देखो ना गाड़ी देखो। अरे अरे वाह क्या गाड़ी का साउंड है बेटी, लेकिन पापा कभी मत सोचना कि हमारा परिवार छोटा हो गया, बल्कि अभी बड़ा हुआ है आपको पता चल जाएगा। कैसे? अरे अरे वो तो आपको पता चल ही जाएगा। अरे अरे बेटी क्या रहा तुम क्या कह रही हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे अरे मम्मी वो तो आपको पता चल ही जाएगा थोड़ी टाइम बाद। अरे 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 बेटा ऐसा क्या पता चल जाएगा। फ्रैंकलिन चल भाई कहाँ पे है वो? अरे मैंने उस पर कॉल पे बात कर ली थी लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है यार, मैं क्योंकि पहले आया नहीं हूँ ना, पहले सारे ऑफिसर कर दिया करते थे ये सारा काम निपटा करके, लेकिन ऑफिसर्स भी यार पता नहीं कहाँ पे या किधर थी वो जगह। अरे शिट यार फ्रैंकलिन जल्दी ढूंढ यार। अरे हाँ भाई हाँ मैं शिंचन से बात करता हूँ यार, शिंचन का काम यार मैं तो सोचा था होटल में ही करते थे कुछ काम। अरे हाँ ये री मार्केट वो आगे गाइस डेकोरेशन की मार्केट, तो भाई यहाँ पे। अरे फ्रैंकलिन सर आइए आपसे बात हुई थी मेरी। अच्छा अच्छा बात हुई थी ना, हाँ भाई बात हुई थी। अरे भाई भाग के कहाँ जा रहे हो? अरे वो मेरा पति है बड़ा वो लक्कड़ है सर बोलिए। अरे मैम आपको मैंने जैसे बोलता पूरे लॉस सेंटोस में पूरी जगह फायर क्रैकर्स उड़ने चाहिए। सर हो जाएगा डन, हम ही उड़वाते हैं वैसे आपका फायर क्रैकर्स। ठीक है तो फायर क्रैकर्स उड़ने चाहिए और घर में थोड़ी बहुत लाइटों की सजावट। अरे सर डन 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 डन, घर का एड्रेस बता दीजिए। मैम लेकिन आज शाम तक हो जाएगा ना? अरे हाँ आज शाम तक ही होना क्योंकि टाइम बहुत कम है। सर हम दिन में करके दे देंगे आप कोई और बोलो। अच्छा इतनी फास्ट सर्विस? सर आज छुट्टी है ना तो आज हम पे ऑर्डर्स है नहीं तो हम आपका ही काम में लग जाएंगे, और आप पेमेंट तो एक्स्ट्रा देते ही हो। अरे पेमेंट एक्स्ट्रा लेते हो इसलिए? अरे सर सर सॉरी गलती से मुंह से निकल गया। पेमेंट एक्स्ट्रा नहीं, अगर काम खराब हुआ तो भाई एक भी पैसा नहीं। सर ये तो डील हमारे ऊपर है, हम बल्कि आपसे इसलिए पैसा ऊपर ले लेते हैं। अच्छा ठीक है ना ठीक है भाई पैसा ऊपर ले लो, लेकिन भाई अगर एक भी कमी हुई तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है सर आप चिंता मत करिए। हाँ 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 भाई बाकी गाइस सर चलो केटरर्स का काम हो गया, अब घर जाकर के देखना है कि ये सारी चीजें डेकोरेट होंगी या नहीं होंगी। और फ्रैंकलिन पहले देख तो ले शिंचन किधर है। हाँ यार पूछता हूँ। ओ यार मैं तो घर भूल गया, दो बार से भटक रहा हूँ यार, कोई घर मिल ही नहीं रहा है बाबा। तब अगर तू घर भूल गया तो फिर हमेरा क्या गलती भाई, हम लोग भी तो भूल ही गए हैं। अरे हाँ यार भूल तो गए हैं। अरे यार देखो गाइस हम लोग बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस से पहुंच गए लेकिन वो घर भूल गए, इधर ही कहीं था वो। अरे अरे ये तो रहा ये तो रहा बाबा साहब। अरे अरे शिंचन सर आइए आइए आइए। इस घर में यार फ्रैंकलिन भैया ने तो दशाई बदल दी, गेट लगवा दिया। ओ भाई पूरे तो सिक्योरिटी कर दी फ्रैंकलिन भैया ने।
अरे आइए शिंचन सर आइए, गेट खोलो। तो ऑडियंस देख सकते हो मम्मी पापा की हर एनिवर्सरी पे हम इस जगह पे आया करते थे और ना इन सड़कों का इन हाईवे का व्यू लिया करते थे। मेरे मम्मी पापा काफ़ी एंजॉय किया है ना। तो अरे अरे बेटा अगर तुम नहीं होती तो फिर पता नहीं हम तो हमारी एनिवर्सरी तो बिल्कुल ही सूखी बनती। अरे पापा मम्मी ऐसी बात नहीं है बेटा, थोड़े टाइम बाद तुम भी ये सब आना भूल जाओगी। अरे नहीं ऐसी बात है ही नहीं यार, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, अभी पता चल जाएगा पापा मम्मी आपको लोगों को। ये सर जी आइए। आ गया, गेट भी ओपन है गाइस मेरे लिए और देख सकते हो गाइस यार ये रही है। और सिंचन सर आइए, फ्रैंकलिन सर ने बोला गया था। यार चलो चलो जल्दी से इस गाड़ी को खड़ी करते हैं। अरे यार फ्यूचर भैया मैं इधर ही रह लूँ क्या? हिमावरी जैसी तेरी इच्छा क्या, फिर आ जा यार हिमावरी बैठ जाना। वहाँ बात था यार, मैं आ रहा हूँ भाई, ये हिमावरी आए ना आए। अरे नहीं मेरे को यहाँ पे अच्छा लगता है। तो हिमावरी तू ऐसे कर इधर ही बैठ जा। चप्पू और ब्रूनो तुम लोग तो आ जाओ। अरे अभी आ रहे हैं, दो मिनट की तो चलो यार। अरे यार बाबा आ था यार, देख ब्रूनो देख हिमावरी के साथ ही रुक गया। अरे तो सेफ्टी के लिए कोई तो होना चाहिए ना मेरी। बाबा आ था सिक्योरिटी तो है। अरे यार ठीक है ना। गाइस यार इस गाड़ी को चलाने में कितना फील आ रहा है यार। बाबा आ सबसे कैसी लग रही है? इट्स लुक लाइक अ वाओ। ओके सो गाइस अब गाड़ी को लेकर चलते हैं जल्दी से ही। बाबा आ सब किधर लेके चलना है? अरे यार चप्पू कैसी बातें करता है, बेनी भैया के पास लेकर के चलना है ना जल्दी से। यार फ्रैंकलिन भैया का कॉल आने से पहले यार सब कुछ काम कर लेते, नहीं तो भाई बहुत बुरी बात लग जाएगी, फ्रैंकलिन भैया ऐसी तैसी मार देंगे। बाहर सब डेकोरेट तो हम भी कर देते ना। अरे ओ जो बहनी के पास जो सामान है ना वो हमारे पास नहीं है यार, तू भी क्या बात करता है चप्पू यार, हम कैसे डेकोरेट कर देते। बाहर सब ये बात तो तूने सही बोली है। चल भाई चल वीडियो को लाइक करवा दे। मैं क्यों करवाऊँ, तू करवा। बाबा साहब गाइस बाहर सब ऑडियंस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सिंचन भैया आराम आराम से चलो यार। बाबा साहब यार आराम से तो चला रहा है वो यार, तू क्या बात कर रहा सिंचन। ओके सो गाइस यार ये पटाखे बहुत छोड़ रही है गाड़ी। सिंचन फ्रैंकलिन भैया क्या हाल चाल है, किधर है भाई तू? फ्रैंकलिन भैया मैं तो इधर आ रखा हूँ। अच्छा अबे तो मैं भी आ रहा हूँ, बहनी के पास ही है ना तू? हाँ बहनी के पास ही मिल जाऊंगा मैं आपको। ठीक है तू बहनी के पास ही हो, मैं भी आता हूँ दो मिनट में, देखते हैं भाई कैसा हो रहा है। आपने काम निपटा लिया क्या? हाँ भाई मेरा काम निपट गया। आप भी निपट जाओ तो मजा आ जाएगा। सिंचन बकवास कम करेगा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। अरे हाँ भाई वो ये कौन सी जगह है, चलो भाई देख लेते हैं। और फ्रैंकलिन जल्दी पहुँचते हैं भाई सिंचन के हाँ भी। ठीक है तो गाइस यार हम लोग यार देख सकते हो कितनी फास्ट एंड फ्यूरियस इस गाड़ी को भी लेकर के आ गए हैं। अब आते हैं ठोक मत भाई। बात अब क्या रहा, भाभी के मम्मी पापा मतलब फ्रैंकलिन भाई के सास ससुर का काम है और भाई साहब हम लोगों को जिम्मेदारी से दिया है। और सिंचन तुमने इस गाड़ी को ठोक दिया ना भाई, सिंचन तेरे को पता है ना बवाल मच जाएगा। चप्पू बात तो तूने सही बोली है, तो भाई साहब ऐसा काम करता है क्यों है सिंचन जिससे बवाल मच जाए। चप्पू ठीक है ना यार, पहुँच गए हैं। पैनी भैया अरे सिंचन बेटा आओ। बैनी भैया इसको डेकोरेट करना है। ठीक है बेटा लगा दो गाड़ी को। चलो भाई डेकोरेट होने देते हैं इस गाड़ी को। अब आ सब किधर चले अब यार, बाहर उतर कर चले ना, बैनी भैया की तो जगह बहुत अच्छी है। सिंचन बेटा आओ कुछ खाओ पियो। नहीं बैनी भैया मेरे को कुछ खाना नहीं है, लेकिन अब करें क्या, अब तो हमारे पास जो गाड़ी थी वो भी है, अब करें क्या फ्रैंकलिन भैया। अरे यार ये कौन है भाई, पिंचन बंद हो गया अंदर ही। तो तू बड़ा चू आदमी, क्या गाली मत दो ड्राइवर भाई। अबे तो तू उधर क्यों गया? अरे यार बस ऐसे ही गया ना। ओके तो गाइस चलो सिंचन के पास पहुंच गए हैं भाई, शाम को भी होने को आ रही है भाई जल्दी से। अरे फ्रैंकलिन भैया आ गए। बाबा आता फ्रैंकलिन। ओए हिमावरी और वो किधर है? वो उस घर पे ही रुके हुए हैं। अच्छा ब्रूनो और हिमावरी। हाँ यार फ्रैंकलिन भैया, अरे गाड़ी का काम स्टार्ट हुआ नहीं। अबे ओ बैली तूने अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया। फ्रैंकलिन बकवास कम कर, डेकोरेशन का सामान कौन तेरा फूफा लाएगा? अरे सॉरी बैनी। अरे यार नहीं था क्या, मेरे को जो काम है ना वो मेरा करने दे। अरे यार फ्रैंकलिन क्यों छेड़ता पराई औरत को यार, उसका काम है वो करने दे। ओए औरत किसको बोला भाई तूने? मैं आया मैं मेल जबरू गवान। अबे ओ ठीक है ना, जबरू जवान गवान बोला, गवान बोला अपने आपको। अरे फ्रैंकलिन भैया तब तक हम करें क्या यार, दिमाग खराब हो रहा है यार। यार केटरिंग की सर्विस तो हो गई है पूरी, गाड़ी रिपेयर कर, गाड़ी होने दो, इसको डेकोरेट करवा के तू पहुंच जाइयो भाई। मेरे को तो अभी केटरर्स का सामान संभालना है कि भाई यार डेकोरेशन और केटरिंग का सामान हो रहा है क्या नहीं, क्या बोल रहे हो यार। ऑलरेडी प्लान्स यार काफ़ी सक्सेसफुल चल रहे हैं, अब यार बस देखना है कि यार ये सिंचन हिमावरी पिंचन वाला जो ये काम है ये वाला सक्सेसफुल हुआ है नहीं हुआ है। फ्रैंकलिन भैया यार जल्दी आ जाओ, देखो ये बैनी भैया ने क्या बना दिया। क्या कर दिया भाई, जल्दी आओ यार। अबे बैनी ये क्या लगा दिया तूने ऊपर? बैनी ने क्या काली मैट करके ब्रो देख कैसा लग रहा है तू, साइमन की आवाज़ क्यों निकाल रहा है? अरे अच्छा फ्रैंकलिन ब्रो देख यार देख कितनी अच्छी लग रही है भाई, तूने अंदर से तो अच्छी कर दी गाड़ी। ओए नीचे लाइट देखो। अरे फ्रैंकलिन बहुत गाड़ी बढ़िया कर दी इसने तो। अरे हाँ भाई लेकिन ये ऊपर क्यों लगा दी लाइट फ्रैंकलिन, अच्छा लग रहा क्या? अरे यार चल मैट कर दी, पीछे रेड कर दी, अंदर रेड कर दी, गाड़ी तो काफ़ी धासु बना दी। लेकिन यार ये लाइट कौन सी? अबे यार गाइस गाड़ी तो इसने काफ़ी धासु बना दी। ओए ये लाइट हटा दे।
फ्रैंकलिन यार लाइट हटाने के पैसे हैं। अबे यार हटा पर फिर भी। फ्रैंकलिन भैया हो गया ना? हाँ भाई, वैसे तो अब गाड़ी बहुत ज्यादा सही लग रही है। फ्रैंकलिन देख के बता। ओ भाई फ्रैंकलिन देख भाई, लाइट ही लाइट मार रही है। भाई गाड़ी तो गजब कर दिया, फ्रैंकलिन चमक रही है ना भाई, बहुत ज्यादा सही कर दी। गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ। तो गाइस ओए क्यारा के लिए फायर क्रैकर छूट रहे नहीं, और क्यारा के मम्मी पापा के लिए। चलो पहले हम घर पहुंचते हैं, वहाँ पे सारा डेकोरेट हो रखा है, फिर क्यारा के मम्मी पापा को हम लोग उधर ही बुलाते हैं। चल फ्रैंकलिन इस गाड़ी को लेकर ही चलते हैं। आ जाओ भाई शिंचन ही मारी पिंचन। आ रही फ्रैंकलिन भैया। ओके ओके माइकल भाई जल्दी बैठो। हाँ फ्रैंकलिन बैठता हूँ मैं। बैठ गए? हाँ बैठ गया बैठ गया। चल 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 ठीक है। ओके सो गाइस। अरे वाह क्या गाड़ी यार, ये अंधा कर दिया मुझे बिल्कुल ही। कौन है ये गाड़ी चलाने वाला? मैं जो भी हो तेरे तो फूफा के मतलब भी। ओ तेरी भी फ्रैंकलिन आराम आराम से चला यार। अरे हाँ यार पहले तो यार ये फायर क्रैकर्स क्यों नहीं उड़ रहे हैं? फ्रैंकलिन उड़ेंगे तो तभी उड़ेंगे ना जब उसके मम्मी पापा बाहर निकलेंगे। अरे हाँ यार पहले तो हमें क्यारा के मम्मी पापा को कॉल करनी पड़ेगी ना उसमें। आराम खोर के पिल्ले साले ठोक के क्यों चले गया? फ्रैंकलिन कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ यार? ग्रिल टूट गई। अरे यार वो पिंचन कर देगा इतना मामले तो। हाँ यार इतना मामले तो पिंचन देख लेगा। लेकिन गाइस अपनी गाड़ी इतनी धासु लग रही है ना, अमेजिंग हो गई है। गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है अपनी एस क्लास। ठीक है तो आप इस गाड़ी को यार जल्दी से लेकर के चलते हैं। और ये गाइस वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है ना। मैं इसको बनाने को दो पार्ट में बनाया था, लेकिन गाइस अब लंबी हो रही है तो कोई बात नहीं, आप लोग लंबी वीडियो एंजॉय करो। अगर आप लोगों को लंबी वीडियो चाहिए होगी तो फिर इन फ्यूचर मैं लंबी ही लाया करूँगा आप लोगों के लिए, है ना गाइस। तो ये आप लोगों के लिए आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप लोगों को जैसे भी पसंद आएगा वैसे उस हिसाब से। फ्रैंकलिन चल भाई आराम आराम से। हाँ भाई चल रहा हूँ भाई। लेकिन यार ये लाइट कितनी ज़्यादा सही मार रही हो। फ्रैंकलिन सर अंधा करोगे क्या? हाँ कर दूंगा बोल भाई। भाई साहब हमारी की कॉल आ रही है, एक सेकंड। फ्रैंकलिन भैया। हाँ फ्रैंकलिन भैया आप आ रहे हो क्या? आ रहा हूँ मैं। फ्रैंकलिन भैया क्यारा भाभी को कॉल तो कर दो। तो सारा डेकोरेट हो गया? हाँ घर पर तो सब बढ़िया हो गया। तो सब कुछ हो गया ना? हाँ पूरा। तो कर दो क्या कॉल? हाँ कर दो। तो मैं सोच रहा हूँ आकर के मैं चेक कर लूँ। अरे आप आओगे कब चेक करोगे? फिर बाद में आप बुलाओगे बहुत टाइम लग जाएगा। आप ऐसा करो यार यहाँ पे सब कुछ सक्सेसफुल करवा लिया मैंने। अच्छा तूने करवा लिया ना? हाँ फ्रैंकलिन भाई मैंने भी। हाँ हाँ ब्रूनो और हिमावरी ने घर पे करवा लिया। तो ऐसा करता हूँ मैं आता हूँ फिर, नहीं सॉरी मैं कॉल कर देता हूँ भाई क्यारा को। तो गाइस क्यारा के मॉम डैड को कॉल करता हूँ मैं, ठीक है? वहाँ पे तो थोड़ा उजाला टाइप का हो रहा होगा, लेकिन क्यारा के मॉम डैड को जल्दी कॉल करता हूँ। बेटा अब चलते हैं, काफी देर गप्पे लड़ा लिए। अरे 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 काफी देर गप्पे लड़ाने के बाद ना काफी टाइम हो गया है, लेकिन एक सेकंड ये किसकी कॉल आ रही है? हेलो क्यारा, क्यारा सुनो मेरी बात। हाँ फ्रैंकलिन सब कुछ हो गया, तुम अपने पापा मम्मी को ले आ सकती हो या फिर मैं आऊँ तुम्हें लेने के लिए? नहीं नहीं फ्रैंकलिन ऐसा मत करो, पापा मम्मी बिल्कुल सरप्राइज में है। तो हाँ क्यारा तो तुम अपने तुम यही वाले नए वाले घर पे ले आना, हम सरप्राइज तैयार रखते हैं, ठीक है? ठीक है फ्रैंकलिन, तुम लोग तुमने तो बहुत अच्छा कर दिया। थैंक यू क्यारा, थैंक यू फ्रैंकलिन तुम्हारा। अरे अरे क्यारा ठीक है इतना ही काफ़ी है भाई, अब चलो ठीक है फ़ोन रखो। हाँ ठीक है फ्रैंकलिन। ओके चलो पापा चलते हैं। बेटा कहाँ? घर चलते हैं। हाँ पापा चलो तो सही, आपको एक जगह ले जानी है। कहाँ ले जा रही हो? नहीं बेटा मेरे को बाहर खाने का प्लान नहीं है, अब वो मूड नहीं रहा। अरे अरे पापा चलो तो सही, एक जगह है। अरे बेटा कुछ नहीं है, अब कहाँ जाएंगे, अब हम तीन मिल लिए खुश हुए बस हो गए बस, अच्छी बात है हमारा और क्या परिवार कैसा है। अरे अरे पापा चलो तो सही, मैं बोल रही हूँ ना। अरे यार बेटा लेकिन मेरे को आज एक बात चुभ गई कि तुम्हारा जमाई मतलब सॉरी हमारा जमाई फ्रैंकलिन माइकल ट्रेवर कोई भी नहीं आया हम लोगों को एनिवर्सरी विश करने के लिए। पापा मैं तभी तो बोल रही हूँ चलो ना यार, मम्मी भी टेंशन में आ रखे हैं, ऐसा नहीं है चले बैठ करके, मैं बताती हूँ ना तुमको। अरे अरे बेटा क्या हुआ? चलो ना पापा एक सरप्राइज है आपके लिए। अब क्या सरप्राइज है बेटा? अरे तुमने सरप्राइज तुम आ गई यार, वही हमारे लिए सरप्राइज था। पापा पता चलेगा आपको कि आपके जमाई आपके लिए क्या प्लान करके रखा है। क्या मतलब? अरे अरे चलो तो सही, आप यही सोच रहे थे ना परिवार छोटा हो गया, नहीं भाई परिवार बड़ा हो गया है। अरे अरे कैसे, मुझे तो नहीं लगता। ये फायर क्रैकर कहाँ से उड़ रहे हैं? ये पापा इसलिए तो मैंने बोला था। मतलब? अरे अरे पापा ये सब करा धरा फ्रैंकलिन का है। क्या फ्रैंकलिन का? फ्रैंकलिन ने हमारी एनिवर्सरी के लिए पूरे लॉस सैंटोस पूरे शहर में लगा दिए फायर क्रैकर्स। हाँ पापा फ्रैंकलिन ने आप लोगों के लिए पूरी जगह पे फायर क्रैकर्स लगा दिए, अभी तो ये सरप्राइज चालू हुआ है। अभी फ्रैंकलिन के सरप्राइज देने का तरीका काफी ज्यादा अलग है पापा, आपको आप पता चलेगा कि फ्रैंकलिन कितना प्यार करते हैं हम लोगों से। अरे अरे ऐसी बात है क्या? और क्या? अरे अरे क्यारा बेटी मुझे तो पता ही नहीं था, ये देखो लॉस सैंटोस में फायर क्रैकर्स, वो भी हमारी एनिवर्सरी के लिए, ऐसे तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हेलो मम्मी मैं सही बता रही हूँ, ये
ऐसा तो मैं भी कभी नहीं सोचती थी, लेकिन फ्रैंकलिन ने जो जो किया है ना भाई, मैं भी पूरे चौक रह गई। अरे अरे बेटा, अब हम भी चौक हो रहे हैं कि फ्रैंकलिन ने ऐसा कर दिया, पूरे शहर में हम लोगों के लिए एनिवर्सरी करवा दी। अरे अरे अंकल आंटी एनिवर्सरी। हेलो अंकल आंटी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। अरे अंकल आंटी आपकी हैप्पी एनिवर्सरी। अरे अरे फ्रैंकलिन की इतनी पावर है कि हर जगह फैल गई है बात। पापा पहले नॉर्मल से एनिवर्सरी बनती थी, पूरे शहर को पता है कि अपने आपकी एनिवर्सरी बन रही है। अरे बेटा मैं तो खुश हो गया, मैंने तो क्या ही समझ रहा था। अरे यार मैंने तो गलती कर दी। अरे ऑडियंस आप लोग लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। पापा आप लेकर के चलते हो आपको उस जगह पे ही। अरे बेटी ये इतने महंगे इलाके में क्यों ले आई? अरे हाँ क्या रहा, इतने महंगे इलाके में क्यों ले आई? अरे मम्मी सुनो ना, अभी लेके चल रही हूँ ना मैं, आपको पता चलेगा। अरे यार ये तो बहुत महंगा इलाका है, यहाँ पे तो मेरे बॉस काम किया करते हैं, यहाँ पे तो मेरे बॉस रहते हैं। अरे यार इस इलाके में मैं तो आने की भी नहीं सोच सकता। मम्मी मम्मी पापा आप रुकिए ना, आपके जमाई ने ये जुगाड़ कर दिया है। क्या 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 मतलब? आप अरे यार मेरा ये सपना है कि मेरा इधर घर हो। अरे पापा आपका ये सपना है ना, ये सपना आपके जमाई ने पूरा कर दिया। मतलब बेटा ये किधर जा रही हो तुम? बेटा ये तो अमीरों का इलाका है। पापा अब आपसे ये हुआ है, ये आपका हुआ है। अरे अरे मतलब हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा, हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू अंकल आंटी, हैप्पी एनिवर्सरी। अरे समदन जी हैप्पी एनिवर्सरी, समदी जी हैप्पी एनिवर्सरी। अरे हैप्पी एनिवर्सरी बाबा, तब हम लोगों की तरफ से हैप्पी एनिवर्सरी। अरे ये सब क्या किया आप लोगों ने? अरे ये इतने महंगे इलाके में ये सब हमारे लिए, फ्रैंकलिन भाई, फ्रैंकलिन और ट्रेवर, आप समझी जी, और मतलब फ्रैंकलिन तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ। अरे अरे मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा उदास थे आप, है ना। आपके आपकी बेटी है तो क्या हुआ, आपकी बेटी हमारे पास आ गई, भाई आपका परिवार बड़ा हो गया है। अरे फ्रैंकलिन ये तो लोग तो ये भी सोच रहे थे, मम्मी पापा मेरे ये सोच रहे थे कि हमारा परिवार और छोटा हो गया। ऐसी बात हो ही नहीं सकती, बल्कि आपका परिवार और बड़ा हो गया है क्योंकि हम लोग आपके साथ हैं। और देखो फ्रैंकलिन भैया ने आपके लिए क्या जुगाड़ किया अंकल आंटी, अब आप इधर ही रहा करना। मतलब आपको फ्रैंकलिन भैया आप खुद के करीब लाने के लिए फ्रैंकलिन भैया ने ये वाला घर आपके लिए लिया है एनिवर्सरी का गिफ्ट। अरे 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 ये चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तुम लोगों ने वैसी शादी में कुछ भी नहीं लिया है। नहीं नहीं ये चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अरे अंकल आंटी वो क्या बोलते हैं अब तो मम्मी पापा, ऐसी बात नहीं है, आप एक्सेप्ट करिए। फ्रैंकलिन तुम लोगों ने हमारे लिए इतना किया, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं और थैंक यू सो मच। हमें तो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, इमोशनल हो रखे हैं हम। अरे अरे अभी तो ये पार्टी शुरू हुई है, और आप कहते थे ना अरे अरे ये तो मेरी ड्रीम जगह है। हाँ तो आपकी ड्रीम जगह में और हमारे घर के पास ही आपको घर दे दिया गया है, जिस चक्कर में आप रहिए, और आप कभी भी हमारे घर आ सकते हैं और हम आपके घर आ सकते हैं। अरे अरे ऐसी बात है। अरे अरे हाँ समदी जी हमारी तरफ से गिफ्ट समझ के रख लो। अच्छा अच्छा समदी जी नहीं मान रहे तो समदन जी आप तो मान लीजिए। अरे अरे अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, लेकिन आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने तो हम लोगों को शौक ही कर दिया। हम लोगों का तो काम ही है सबको शौक करना है। हुआ ना बड़ा परिवार। अरे अरे बेटा हमारा ना कोई बेटा नहीं था, तो आज फ्रैंकलिन साथ है तो ऐसा लगता है कि वो कमी भी पूरी हो गई। अरे वाह मज़ा आ गया हमारी एनिवर्सरी के लिए। अरे आइए आइए मम्मी पापा अपनी गाड़ी चला कर देखिए, मर्सिडीज एस क्लास, ये तो बहुत महंगी है फ्रैंकलिन, ये देने की जरूरत थी। अरे अरे इसकी तो जरूरत थी, अब शिंचन हिमावारी पिंचन आया करेंगे तो इन्हें कहाँ घुमाया करोगे, तो भाई इस गाड़ी में। अरे अरे ये तो बहुत महंगी गाड़ी है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मैं क्या ही बोलूँ आपको। और क्या आपके लिए, चलो खाने पीने का भी इंतजाम है, डांस करो, खाना पीना खाओ और पार्टी चालू हो गई है। आपको कैसा लगा सरप्राइज? बहुत ज़्यादा जोर का लगा, इतना महंगा सरप्राइज आप लोगों ने दिया कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था, और मैं कभी सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या कर दिया आपने। अरे अरे आप चिंता मत करिए, लोग तो शादी होने के बाद लड़की वालों को देना पड़ता है, और आप तो सामने से दे रहे हो, मतलब यार आप लोग तो बहुत ब्रिलियंट लोग हो। अरे भगवान ऐसे लोग सबको दें। अरे अरे ऐसे लोग सब हर जगह नहीं मिलते, मतलब हम जैसे इकलौते ही बने हुए हैं। और नहीं तो क्या। अरे गाइज अरे देखो यार मतलब अंकल आंटी कितना खुश हो गए हैं, और खुश हो गए हैं तो भाई हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं, तो इसलिए भाई सब क्या रहा अभी चलो गाने बजाते हैं, और गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ गाइज तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वीडियो जरूर से लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्या रहा मम्मी पापा खुश हम खुश, और देख सकते हो तो भाई मजे ही मजे हैं, और पूरे दिन भी पार्टी चलेगी मजे ही मजे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, नहीं तो हम आपको और भी आगे के सीन दिखाते। मजे ही मजे भाई, मजे 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 मजे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बैगा चार्ट के, थैंक्स फॉर वॉचिंग।